कौन अपना नजर आता है? परिवार में कोई अपना नहीं रहा, साथ में कोई अपना नहीं रहा, रिश्ते नाते कौन अपने रह गए? जब जरूरत होती है, जब भी आप देखोगे पास में, आप अपने आप को ही पाओगे, दूसरा कोई साथी नहीं मिलेगा। कहीं भी देख लो, ये यहाँ की हालत नहीं, हर जगह पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की यही हालत होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। सारे विश्व के अंदर एक जैसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। किसी भी प्रकार से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, किसी तरीके से देख लो, किसी तरीके से सोच लो, कहीं तक विचार घुमा लो, कहीं 5 वर्ष पीछे चल रहा है, कहीं आगे चल रहा है। ये समय है, ये समय घूमता रहता है, चलता रहता है। जिसने इसकी अहमियत नहीं की, वो समय की अहमियत को नहीं समझ पाया, और जो समय की अहमियत को नहीं समझ सकता वो पीछे छूट जाता है। चाहे कोई भी हो इस ब्रह्मांड के अंदर, चाहे प्रकृति में कोई जीव हो, छोटा हो, बड़ा हो, मानव हो, चारों प्रकार की जो योनियां हैं उनमें कोई भी जीव हो, स्वेद, जंड, जरायु, जुदविज, किसी भी प्रकार की योनि हो, कुछ भी योनि हो, उनमें सब में पिछड़ता चला जाता है। या तो प्रकृति और परमात्मा का बैलेंस बना करके हम आगे बढ़ जाते हैं, या हम उसमें पिछड़ करके बर्बाद हो जाते हैं। जीवन का जो सार है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो इस जो आपके अंदर ये छुपी हुई आत्मा है, जिसको आप भ्रम के कारण, पर्दे के कारण, भूल के कारण पिछड़ गए हो, दूर हो गए हो, इससे किसी कारणवश दूर चले गए हो, अगर आप इसको संभाल करके, इसको पकड़ करके, इसकी खोज का प्रयास करेंगे। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, एक ने बोला मुझे, महा बोलो क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा जी परमात्मा की खोज में आए हैं। मैंने कहा भाई गलत जगह पर आ गए आप लोग तो। उन्होंने कहा हमने सुना है कि आप परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हो, कुछ लोगों को कराई भी है। मैंने कहा अब तो और भी गलत जगह आ गए आप लोग। उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सही, 2 वर्ष से आपके पीछे तलाश कर रहे हैं, और हमने पूरा सब कुछ जांच देख करके, परख करके, सब कुछ अनुभव करके, आपके एक एक एक्टिविटी नोट करके, तब हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा इसीलिए तो गलत जगह के ऊपर आ गए, खोए हुए तुम हो, ढूंढ रहे हो परमात्मा को। परमात्मा कहीं खो नहीं गया है, वो तो आपके अंदर में ही विराजमान है, वो कहीं गया ही नहीं। भटके हुए तो आप लोग हो, खोए हुए तो आप लोग हो, भूले हुए तो आप लोग हो, भ्रमित तो आप लोग हो। आपके अंदर कमियां हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ गई, आपको जो संसारिक वस्तुएं चाहिए उनके अंदर फंसे हुए हो, अपनी जो तृष्णा है, आशा है, उनको फैला दिया, वो ढूंढ रहे हो परमात्मा को। बड़ी आश्चर्य की बात है कि परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को खो दिया। आप समय को खोज लो, परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा कोई आपसे भिन्न नहीं है, परमात्मा कोई आपसे दूर नहीं है, परमात्मा कोई आपसे दूर रह भी नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन आपके शरीर के अंदर से परमात्मा दूर हुए, क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं। प्रकृति का ये 5 तत्व, 8 अष्ट प्रकृति का शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। 1 मिनट में बोल देंगे उठा लो इसको, अरे 2 घंटे भी घर नहीं रखते। पूरी रात अगर घर रखना पड़ जाए, एक रात सोचने लगते हैं आज की रात कैसे कटेगी, सुबह कैसे होगी, कैसे रिश्तेदार आएंगे, कैसे फिर इसका अंतिम संस्कार होगा, क्या करें, तब तक कौन इसके पास बैठेगा? जिसने 70 साल तक सब कुछ कमाया, घर बनाया, ईंट पत्थर एक एक जोड़ करके, कहीं से कम ज़्यादा करके, कहीं से बेईमाना करके, कुछ इकट्ठा करके, बच्चों के लालन पोषण के लिए ईमानदारी को धोखा दिया, परमात्मा को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, चारों तरफ से समेटा, जोर लगाया, इकट्ठा किया, एक एक कतरा कतरा जोड़ करके वहाँ तक ले करके गए, और उसी आदमी के लिए उस घर में एक रात के लिए भी जगह नहीं। ये सोचते हैं किस प्रकार से क्या किया जाए, कैसे रखा जाए, रात को कौन रहेगा, किसकी जिम्मेवारी लगाएं। अगले दिन पता है क्या होता है, मैं तो थक गया, अरे वहाँ पिताजी चले गए ना इसलिए,
रात भर बैठे रहे और पास वाला के पता क्या बोलता, अरे कोई नहीं, मेरे वाले पिताजी गए थे तब मैं तो वहाँ रुका हुआ था, रिश्तेदारों को बोल दिया था तुम संभाल लेना। आजकल ये क्या चल रहा है जीवन में, क्या खेल हो गया है ये, क्या ये ज्ञान है, क्या ये हमारी शिक्षाएं हैं, क्या ये हमारा धर्म है, क्या ये हमारे कर्म हैं, क्या ये जो हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए थे वो हैं, क्या इससे जीवन मुक्ति हो जाएगी, क्या ये कल्याण का मार्ग है, क्या यही खेल है जिसके लिए हम भाग रहे हैं, क्या यही हमारी इच्छाएं हैं, क्या इन्हीं को लेकर हम जी रहे हैं। आज हम उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी यही होगा, आने वाली पीढ़ी तो और तेज़ होती जाएगी और स्पीड बढ़ती जाएगी। माया और काल का इतना प्रभाव चल रहा है संसार के अंदर, हर रोज़ कुछ न कुछ नया हो रहा है, कुछ हर रोज़ कुछ न कुछ अलग चल रहा है, खेल कुछ न कुछ चलता रहता है, जीवन बदलता रहता है, और इसी प्रकार से हम पीछे रह जाते हैं, प्रकृति भाग करके आगे निकल जाती है। साथ में क्या चलता है, अंतिम में गए क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी निकाल ली जाती हैं, अरे देख लो कहीं कोई घड़ी साथ न चली जाए, कोई सोने की वस्तु साथ न चली जाए, अगर कोई डाल भी दे कि अरे जाने दो इसको, साथ वाले रिश्तेदार निकाल लेते हैं कि अरे हम नहीं जाने देंगे, जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाओगे जो जलाने वाले वो निकाल लेंगे, अरे लकड़ियों तक में हेरा फेरी होती है, क्या हालात हो गए हैं जीवन के, कैसे जी पाओगे, कैसे रह पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, नाम के सहारे के बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी, और जो भक्ति नहीं करेगा, जो नाम नहीं रटेगा, जो उसकी तरफ नहीं बढ़ेगा, क्या प्राप्त होगा, क्या पाया आप लोगों ने, 100 साल तक जो इकट्ठा किया एक झटके में सब कुछ खो दिया, और जहाँ उस मंजिल की ओर चढ़ने का जब समय आया तो कोई साथ नहीं मिला, क्योंकि ना हमने प्रयास किया, ना भजन किया, ना ध्यान किया, ना भक्ति की, ना उस रास्ते का पता, ना मंजिल का पता, कहाँ भागोगे, कहाँ दौड़ोगे। फिर मरने के बाद भी बहुत लोगों का तो पीछा नहीं छूटता, वो भी ऐसे ही भटकते रहते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माओं का कल्याण नहीं होता, ऐसी आत्माएं ऐसे ही छटपटाती रहती हैं, उनको सजाएं होती रहती हैं, और फिर वापिस आ करके संसार में आ जाती हैं, फिर भटकती रहती हैं। तो इस संसार के अंदर जीवों की बहुत हालत खराब हो गई है, और ये तो शुरुआत है, अभी तो और ज़्यादा हालात खराब होगी, क्योंकि नाम के बिना उस ताकत का एहसास नहीं हो सकता, नाम भक्ति के बिना, समर्पण के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो नाम कैसे प्राप्त हो, नाम के लिए गुरु की आवश्यकता, गुरु संसार में रहे नहीं, क्योंकि गुरु तो आजकल वो हो गए हैं कि मुझे पैसे दो मैं शिष्य बना लूँगा, मुझे ये इच्छाएँ पूरी होंगी ये कर लेंगे। आजकल के गुरु क्या हो गए हैं, किसी ने थोड़ा कर दिया, अरे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, गुरु एहसान मानने लगे। जब गुरु शिष्य का एहसान मानने लगे तो समझ लो पतन निश्चित हो गया।